दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, आपने देखा क्लर्क भर्ती है ना, तो लिपिक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। राजकीय पॉलिटेक्निक का नाम सुना ही होगा आपने, तो राजकीय पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो है पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं लाइब्रेरियन, वो भी है, और साथ में आंसू लिपिक है ये, और लिपिक है ये, ठीक है। और साथ में जो टीजीडी पीजीडी के जो पद होते हैं, इसमें जो है इंजीनियरिंग के लेक्चरार होते हैं, उसमें भी जो भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है, परमानेंट भर्तियां आई है। राजकीय पॉलिटेक्निक का नाम आपने सुना ही होगा, जो जीआईसी होते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक, वहां पर जो है भर्ती विज्ञापन आया हुआ लिपिक का, आंसू लिपिक का, साथ में अनुदेशक का, पुस्तकालय अध्यक्ष का, ठीक है, और कर्मशाला अधीक्षक का भी यहाँ पर विज्ञापन जो है ये वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर जो है ये वहीं पर उसके अंतर्गत आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है ये विभाग अध्यक्ष होता है सिविल इंजीनियर का होता है, और प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होता है, व्याख्यात है ना, तो ये आपने देखा जो लेक्चरर होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर जो है। तो सरकारी आपने सुना होगा, सरकारी जो पॉलिटेक्निक होते हैं वहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, तो यहाँ पर हांडिया पॉलिटेक्निक इंडियन इंडिया, और यहाँ पर जो है ये प्रयागराज, प्रयागराज के अंतर्गत जो है ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर समूह क, समूह ख और समूह ग, अभी यहाँ पर जो है समूह ग के पदों पर, यहाँ पर देख सकते हैं समूह ग के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है ये जो है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसका मैंने ये जो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, समूह क के, समूह ख के, समूह ग के, ग का सबसे लास्ट में ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है समूह ग के भी हैं, ग के अंतर्गत ये हो गया, समूह ग का लिपिक भर्ती का ये हो गया, ठीक है, कर्मचारी अनुदेशक का हो गया, साथ में जो लिपिक भर्ती है, कहना मतलब क्या, ये भर्तियाँ जो हैं ये डायरेक्ट सीधी हो रही हैं। यहाँ पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक का नाम सुना होगा, पॉलिटेक्निक जो होता है ना, इंजीनियरिंग जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर जो है समूह ग के और ख के और समूह क के पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। हांडिया पॉलिटेक्निक है ना, तो यहाँ पर जो आ चुका है हांडिया पॉलिटेक्निक जो है प्रयागराज में आ चुका है ये। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं, गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो है 21 दिनों के अंतर्गत से ये विज्ञापन जारी हुआ है, यहाँ पर जो है इस 21 दिनों के अंदर भर्ती विज्ञापन बोला गया, 5 बजे तक जो है आपका जो है साधारण के डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आपका विज्ञापन आ जाए, बंद लिफाफे में से करके आपको जो है भेजना है। भेजना कैसे है, ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप ये वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो जो है इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप रजिस्ट्री डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको जो है भेज देते हैं, भेज दीजिएगा इसको जो है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चयन कार्रवाई जो होगा, चयन जो अगर होगा तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं, भर्ती का विज्ञापन आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर भर सकते हैं, यहाँ पर लिपिक भर्ती का जो है। अब सुनने में यह आया कि किसके अंतर्गत जो है लिपिक के साथ चौकीदार, चपरासी और जो है इसके छतने भी जो है तो ग्रुप डी की नौकरी भी बहुत जल्द इसमें जो है वो निकाली जाएगी यहाँ से जो है। तो जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके ये वाला जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट है, ये राजकीय पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक से ही ये सारा विज्ञापन मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी गवर्नमेंट 18 से लेकर 40 वर्ष इसमें एज लिमिट है, मतलब क्या 18 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट यहाँ पर जो है बताई गई है, और इंटरव्यू के आधार पर सीधी भर्ती कराई जा रही है जो है ये। और जो है ये रहा इसका जो है पॉलिटेक्निक, यहाँ पर लिखा हांडिया पॉलिटेक्निक हांडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज का है ये पॉलिटेक्निक जो है ये। बात करेंगे अभी यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी से जो एएसओ का जो है रिजल्ट के लिए यहाँ पे बोला गया था, और साथ में जो आपने देखा नया विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, तो यहाँ पर देखो 2019 वाला जो एएसओ जो है सांख्यिकी अधिकारी और शोध अधिकारी के जो है ये परिणाम बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि जो इसी महीने अंतिम सप्ताह में है ना, तो आपको नवंबर के अंतिम पखवाड़े में इसका जो रिजल्ट देखने को आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि कार्रवाई इसमें चल रही है, अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि यहाँ पर जो है बहुत जल्द जो है इसका जो है संशोधन आपको हो जाएगा, और साथ में रिजल्ट बहुत जल्द घोषित किया जाएगा। लड़के आपसे नहीं है, लड़के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 2019 से लगातार, ये जो है कहना मतलब क्या एग्जाम कराया अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया, बहुत लड़के परेशान हैं, 4-5 साल होते जा रहे हैं जो है ये। तो जो लड़के जो है वो 3 तारीख को धरना प्रदर्शन करने गए थे, उनको बताया गया, अधिकारी के माध्यम जानकारी उनको दी गई है कि बहुत जल्द इसको जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। साथ में जो है इसमें जो आपने देखा होगा कैन सुपरवाइजर, गन्ना पर्यवेक्षक सुपरवाइजर जो होते हैं उसके रिजल्ट है ना, उसका विज्ञापन, और जो पैट 2023 जो हुआ था, पैट 2023 से जो है 4 विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा एजीटी का विज्ञापन सबसे पहले आएगा है ना, पैट 2023 से एजीटी का पहला विज्ञापन आएगा, इलेक्शन सर पे इलेक्शन को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा, तो एजीटी का पहला विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है इसी महीने अंतिम सप्ताह आपको जो है इसमें नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसका विज्ञापन 100% देखने को मिल जाए, क्योंकि काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, ठीक है। और जो है पैट का 2023 का जो है 4 बड़ी भर्तियाँ जो होगी, मानव चित्र अधिकार हो गया है, और साथ में मानव चित्र वार, साथ में मुख्य सेविका का, साथ में जो एजीटीए का और गन्ना पर्यवेक्षक, 4 बड़ी भर्तियाँ आपको देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है, और बीडीओ का जो है री एग्जाम हुआ इसका रिजल्ट भी जो है
वो इस समय जो है बहुत जल्द आने वाला है। अभी अधिकारियों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने बताया कि जो है इसी महीने तो है सारा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे समिता चपरासी भर्ती के जॉइनिंग लेटर के लिए जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, लड़के को जॉइनिंग लेटर मिल जाता तो लड़के लगातार कमेंट करते हैं, सर आपने बताया था, सर जी मेरा लखीमपुर खीरी से जो है मैं हूँ और अभी जो जॉइनिंग लेटर जो नहीं मिला, इंटरव्यू भी हो चुका है, तो भाई मेरिट बन रही है, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, अगर आपका नाम उसमें होगा तो एक सीट पे जो 3 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो उसी के आधार पर होंगे। सफाई कर्मचारी 40,000 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती आने वाली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलेक्शन को देखते हुए फैसला लिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं सर मेरा इंटरव्यू जो है हो चुका है यार, 1 नवंबर को इंटरव्यू हुआ था, जॉइनिंग लेटर नहीं मिला, जॉइनिंग लेटर के लिए भाई मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद ही इसमें जो है तो इंटरव्यू आपने देखा, अगर 160 पद होते हैं मान के चलिएगा, इस समय जो है ये 160 पदों पर भर्ती निकाली गई और निकलती है ये, तो आपने अलीगढ़ मंडल का नाम सुना है, अलीगढ़ के अंतर्गत जो है इसमें भर्ती चल रही माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से चपरासी भर्ती चल रही, घर के घर में नौकरी है आपको 12,000 की नौकरी मिल रही है और इसमें अंतिम तिथि आपको जो है 10 नवंबर 2023 इसमें बताई गई। ठीक है, तो अलीगढ़ का नाम सुना होगा आपने, अलीगढ़ से जो है ये यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन आया, तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं आपको जो है, तो जो लड़के कह रहे सर हमारा इंटरव्यू हो गया पर जॉइनिंग लेटर नहीं आया, तो 160 पदों पर संख्या पे भर्ती निकाली गई। ठीक है, और यहाँ पे जो है 10 नवंबर इसमें आवेदन अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई, अंतिम तिथि यहाँ पे जो 10 नवंबर ये रिक्तों की संख्या 160 है। ठीक है, क्या इंटरमीडिएट यहाँ पे जो है इसमें फॉर्म की डेट बताई गई, क्या मतलब क्वालिफिकेशन के इंटरमीडिएट, अलीगढ़ का नाम सुनी हूँ, अलीगढ़ से यहाँ पे जो 160 पदों पर, तो क्या मतलब क्या ये भर्ती को दिखा रहा हूँ, 18-40 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई, 18-40 वर्ष इसमें एज लिमिट है, साथ में जो 11,000 रुपये सैलरी है, 11,000 के अप्रॉक्स आपको जो है इसमें कुछ ऊपर कमाई होती है, साइन वन कराने के पैसे भी ले लेते हैं, कुल मिला के जो है 12,000 सैलरी आपको टीए मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जितनी सीटें होती हैं उससे जो 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, इसलिए आपको जो है मेरिट में अगर नाम होगा तो आपको 100% इंटरव्यू हो चुका, जॉइनिंग लेटर बहुत जल्द मिलने वाला, और ये नौकरी बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कहने मतलब है तीसरी बार विज्ञापन आया हुआ है, 2 बार विज्ञापन इसमें निकल चुका है जो है इसका, और लगभग जो है मतलब कुछ जिलों में अभी चपरासी भर्ती नहीं आई है, जैसे आपका पीलीभीत हो गया है ना, पीलीभीत में शिक्षा विभाग में वो चपरासी भर्ती कब तक आएगी। ठीक है, आपके कुछ जिले रह चुके हैं जहाँ पर भर्ती नहीं आई। ठीक है सर, राजकीय इंटर कॉलेज चपरासी भर्ती की जो है रद्द हो गई है क्या? ऐसा नहीं, अभी रद्द नहीं हुई है, वो निकाली जाएगी, अभी जो है अभी कुछ उस पर कार्रवाई चल रही है, उसका विज्ञापन बहुत जल्द निकाला जाएगा। सर चपरासी भर्ती में जो है 11 मंथ तक जो रहेगी या 60 साल तक, ऐसा होता है ये जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है, 11 महीने के लिए रखे जाते हैं, और जो एक बात बताए अगर कोई स्कूल चल रहे हैं तो कर्मचारी रखे जाएंगे, तो कर्मचारी कौन जो एक्सपीरियंस होते रहेंगे, एक्सपीरियंस के आधार पर जो तो रखे जाएंगे, तो आपको अगर एक्सपीरियंस हो गया 11 महीने तो आपको ही इसमें रिन्यू कर दिया जाता है, ऐसा जो संविदा भर्ती में इसमें होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सर जो है कन्नौज में कब आएगी चपरासी भर्ती, देखो कन्नौज, एटा, मैनपुर, इटावा, फरकाबाद, इन सभी में जो है भर्ती आ चुकी है, फॉर्म भी भर चुके हैं और इंटरव्यू रह गया, कहीं का इंटरव्यू हो चुका, कहीं में जॉइनिंग लेटर मिल भी गया। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो है ये कहीं कहीं पर जो है ये पैसे भी लग रहे हैं, यहाँ पर जो 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर चपरासी भर्ती के लिए, यहाँ पर कंप्लेंट के लिए पोर्टल पर कंप्लेंट के लिए बोला गया। ठीक है, तो देने वाले दे भी रहे हैं और नहीं तो अपने जो है वेट कीजिएगा, अगर जो है नहीं होता तो आपको जो है वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है इसमें जो है ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं लड़कों को जो ज्वाइनिंग भी इसमें जो है मिल रही है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस, थैंक यू वेरी मच।